किस तरीके से अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा पास आइए अपने कैमरा में, जल्दी जल्दी में फॉलो कीजिए किस तरीके से यहाँ चारों तरफ यहाँ पे कार्यकर्ता भी अंदर मौजूद हैं, कुछ फंस गए हैं, कुछ यहाँ पे जो नामांकन करने आई थी महिलाएं, किस तरीके से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। लगभग आध घंटा हो गया है पत्थरबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। तो दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे एकदम अचानक से हमला हो गया था, 11 बजे से ही यहाँ पे चालू, 11 बजे यहाँ पे नामांकन चालू होने वाला था, अचानक ही दूली व्यवस्था प्रशासन यहाँ पे काफ़ी कमी थी, इसलिए यहाँ पे सब लोग हावी हो गए। लगभग आधा घंटा हो गया, अभी भी यहाँ पे पत्थरबाजी चालू है, हम चारों तरफ आपका पूरा नज़ारा दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन भी लगा हुआ है, यहाँ पे कम प्रशासन होने के कारण उन्होंने दबाव बना लिया, मगर यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पे पत्थरबाजी जारी है। तो देखा ही चारों तरफ का नज़ारा, लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, तो बने रहिए हमारे साथ और हम पूरा आपको नज़ारा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे आधा घंटा हो गया है लगभग पत्थरबाजी शुरू है। यहाँ पे दो भाजपा का और सपा का दो कैंडिडेट यहाँ पे जोरों शोरों से लड़ रहे थे, लेकिन 11 बजते ही नामांकन था, 11 बजे यहाँ पे 11 बजते यहाँ पे दोनों पक्षों से यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई। थोड़ी देर में आइए हमारे साथ बने रहिए, चारों तरफ से आप दिखा रहे हैं, आइए सीधे आइए। फहीम भाई जो हमारे डी भारत के कैमरा मैन है, किस तरीके से पूरे वीडियो को ये पूरे नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो रही है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये पत्थर ये देखिए अपने स्क्रीन पर देखिए, साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है पूरे ब्लॉक को घेरने की तैयारी। पता नहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं, अभी ईंट पत्थर जारी कर दिए दोनों ने। ए पीछे आइए, पीछे आइए, चलिए। चलो ब्लॉक में फोर्स भी यहाँ पे अपने कैमरा मैन से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाइए, गेट पर कुछ नेता हैं, कुछ पुलिस वाले जो हैं अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, गेट ताला लगाने की पूरी तैयारी। यहाँ पे आज नामांकन होना था वार्ड तालीग्राम ब्लॉक में, जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तुरंत 11 बजते ही यहाँ पर पत्थरबाजी होने लगी दोनों पक्षों से। कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हमें मालूम पड़ रहे हैं, जिस तरीके से अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ग्यारह बजते यहाँ पे हमला पर हो हमला थे, अंदर का ये इतना खौफ पैदा कर दिया दोनों पक्षों ने, यहाँ पे ईट कम से कम आधा घंटा हो गया आप यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, और प्रशासन यहाँ पे देखिए किस तरीके से कोने में बैठा है, मतलब पहली बार हमने ऐसा देखा कि पुलिस खड़ी और पत्थरबाजी हो रही है, जब इतनी व्यवस्था नहीं थी, मालूम पड़ रहा था कि यहाँ पे पत्थरबाजी हो सकती है, तो फोर्स अधिक से अधिक क्यों नहीं किया गया। पूरे ब्लॉक जैसे अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आवाज़ भी सुन रहे होंगे पूरी तरीके से स्वाभाविक है, आइए हमारे साथ तो दिखाते हैं। उधर चल रही है कम प्रशासन होने के कारण, देखिए अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पीछे प्रशासन यहाँ पर बैठा है, देखिए ये देखिए प्रशासन यहाँ पर बैठा है, कार्यकर्ता आपस में इलाक से इधर से पत्थरबाजी हो रही है, अंदर से भी हो रही है, बाहर से भी हो रही है, लेकिन प्रशासन यहाँ मूक दर्शक बने हुए बैठा है, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोनों पार्टियों की ओर से, इधर से भी उधर से भी। आज नामांकन होना था तालीग्राम ब्लॉक में, किस तरीके से ये देखिए दोनों पक्ष हमलावर हैं एक दूसरे पर, ये देखिए अपने स्क्रीन पर देखिए ब्लॉक में। अभी आपने आवाज़ सुना, जैसा आवाज़ सुन रहे हैं यहाँ पे फायरिंग भी चालू हो गई है, पत्थरबाजी के साथ यहाँ पे फायरिंग भी चालू हो गई। यही फायरिंग हो रही है यहीं से अंदर नजर बाहर एक तरफ से लड़ो भैया। बड़ी सीट थी, इतनी बड़ी जब सीट थी ब्लॉक तालीग्राम की, तो यहाँ पे डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, एसपी को पहले से ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स तैनात करना चाहिए था। कैमरा मैन से कहूँगा कि फहीम किस तरीके से पूरे आधा घंटा हो गया है पूरी पद्धतियों का पूरे कवरेज कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आगे आइए और अब दिखाते हैं कुछ जो दूसरी पार्टी की ओर से आ रहे हैं हमारे साथ, बने रहिए और हम सीधे आपको वन टू वन दिखाएंगे। आइए इधर आओ, उधर पानी ले।
निकल नौनवा भी तैयार है।